बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से आ रही है, जहां एक ही परिवार में मां और दो मासूम बच्चों को रात में सोते समय सांप ने काट लिया। सर्पदंश के चलते तीनों की मृत्यु हो गई। खबर मिली है कि ये पूरा मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव का है, जहां पूनम नाम की महिला अपने दो बच्चों साक्षी और तनिष्क के साथ जमीन पर सो रही थी। रात के समय सर्प ने मां और दोनों मासूम बच्चों को डस लिया। खबर है कि ग्रामीण सभी को उपचार के लिए लेकर गए, वहीं सर्प दंश के चलते तीनों की मृत्यु हो गई। बड़ी जानकारी मिल रही है कि सांप के द्वारा काटे जाने से तीनों की मौत के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस प्रशासन के लोग भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए। ये बच्चा सांप ने काटा है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब इनको दिखाया, अब ये खत्म है, ये सबने मना कर दिया, इलाज के दिखवा दिखा रहे हैं। अब कुछ कार्रवाई चाहते ना? हम कहाँ चाहेंगे, अब ये जब भी खत्म होगा।